चलिए आज हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बीच में अंतरों की, क्योंकि अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार आपने पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो से पहले मैंने वीडियो इस पर लाया है, नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए लिख दिया होगा। जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है वो तीन प्रकार है, कौन कौन से? एक है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हम इन तीनों के बारे में, इनके अंतरों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम में इनके अंतरों के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। अर्थ आपको पता है, विशेषताएं आपको पता है, लेकिन अंतर लिखते वक्त हम कंफ्यूजन है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में पता है तो अंतर भी आसानी से लिख सकते हैं। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन भी आज दूर हो जाएगा। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे थे आइकन गुरु। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिएगा और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक दिया होगा, वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स को वहां से कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए हम जो अंतरों को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहा जाता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था को कहते हैं मार्केट इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। अब नियंत्रित अर्थव्यवस्था को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिश्रित रूप होता है, यानी कि दोनों के गुण इस अर्थव्यवस्था में जो है विद्यमान होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, यूं कहे कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर उस देश के उत्पादन के समस्त संसाधनों पर या साधनों पर जो है सरकार का या संपूर्ण समाज का जो है नियंत्रण होता है, उसी की देखरेख में आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है। जबकि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर देश की अर्थव्यवस्था के साधनों या संसाधनों पर बाजार का अर्थात निजी व्यक्तियों का या निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है और आर्थिक गतिविधियों को निजी व्यक्तियों के द्वारा ही संचालित किया जाता है, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वहां पर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट कंपनियां नहीं होती है, ठीक है ना। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर समाजवादी के गुण भी विद्यमान हो और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के गुण भी विद्यमान हो, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था। इंडिया की इकोनॉमी में क्या है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कंपनीज भी है, प्राइवेट कंपनीज है, दोनों मिलकर काम करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित इकोनॉमी। जबकि नियंत्रित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल बहुत कम मिलेगा। बेसिकली मैं आपसे कहूँ कि जैसे उत्तरी कोरिया है, ठीक है, उत्तरी कोरिया में सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज वगैरह काम नहीं कर सकती, सब कुछ गवर्नमेंट के किम जोंग उन क्योंकि तानाशाह है, ठीक है ना। उसके अलावा बाजार अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट कंपनीज नहीं मिलेगी, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज ही बंद करती मिलेगी और उनको पूरी छूट होती है कि अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से करने के लिए। अब डिफरेंस की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करें नियंत्रित अर्थव्यवस्था की। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट होगा संसाधनों पर। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर अधिकार सरकार का या संपूर्ण समाज का होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में नियंत्रण जो है निजी व्यक्तियों का, बाजार का या जनता का होता है, वो अपने हित में जो है समाज के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जबकि नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा संसाधनों का या साधनों का उपयोग देश के विकास के लिए किया जाता है। उसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो संसाधनों का उपयोग होता है, नियंत्रण होता है, वो निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों का होता है, यानी कि सामूहिक रूप से नियंत्रण होता है, दोनों मिलकर संसाधनों का आपसी तालमेल के साथ उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जिससे निजी व्यक्तियों का आपसी हित भी बना रहे और सरकार के द्वारा देश के कल्याण के लिए भी कार्य किया जा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है नियंत्रित अर्थव्यवस्था का, आर्थिक नियम।
नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है वो सरकार के द्वारा की जाती है। यहाँ पर सारी गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, यहाँ पर सारी गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं और उसका पूरा नियंत्रण भी सरकार का ही होता है। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में ठीक है ना, आर्थिक क्रियाएं जो है वो जो निजी क्षेत्र के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। यहाँ पर हर चीज प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू नियंत्रित की जाती है, प्राइवेट पर्सनैलिटी के थ्रू नियंत्रित की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों ही तरह की जो है अर्थव्यवस्था मौजूद होती है, यानी कि यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं होती है सरकार के द्वारा भी संचालित होती है और निजी व्यक्तियों के द्वारा भी संचालित होती है। दैट मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज भी संचालित होती है और प्राइवेट कंपनीज भी संचालित होती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं होती है इसका नियंत्रण जो है केंद्रीय अधिकारी द्वारा होता है, यानी कि सरकार के द्वारा नियंत्रण नियुक्त किया जाता है। जो कंपनीज होती हैं या सरकारी संस्थाएं वहां पर सरकारी व्यक्ति बैठा होता है, सरकारी कर्मचारी जिसको बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ क्या किया जाता है, एक्टिविस्ट होता है। जबकि जो है बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया जो क्रियाएं होती हैं वो बाजार के नियंत्रण में होता है, बाजार के अनुरूप चलाया जाता है। वो सारी संस्थाएं आगे निकल जाती जो बाजार के अनुसार अपने आप में चलाते रहते, जो बाजार के अनुसार नहीं चल पाते वो पीछे रह जाती है। यानी कि यहाँ पर आर्थिक क्रिया का नियंत्रण बाजार के हाथों में होता है। जबकि निजी व्यक्तियों मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहाँ पर सरकार का भी और बाजार का भी संयुक्त रूप से नियंत्रण होता है, दोनों आपस में मिलजुल कर जो है अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रिया को संचालित करते हैं। नियंत्रित अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक देश का विकास। देश का विकास है कि देश के नागरिकों का समग्र विकास किया जा सके, इसीलिए यहाँ पर सरकार नियंत्रित करता है ताकि समाज के हर एक व्यक्ति को गरीब से गरीब व्यक्ति तक जो है संसाधनों का जो है उचित बंटवारा हो सके। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है निजी हित या निजी लाभ। ये लोग निजी लाभ के लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना, और निजी लाभ के लिए उत्पादन में वृद्धि करते हैं। और आपको पता है कि निजी लाभ के लिए उत्पादन में वृद्धि होना जरूरी है, और उत्पादन में वृद्धि होगा तो रोजगार में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होगी तो देश का भी विकास यहाँ पर होता है। किंतु जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी लाभ को भी के साथ साथ सामाजिक हित को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन निजी लाभ यहाँ पर होता सर्वोपरि होता है, लेकिन उसको उसके लिए सामाजिक हित को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब सामाजिक हित को जो है छोड़ के निजी हित नहीं कर सकते, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कीमत निर्धारण। बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कौन करता है? बाजार करता है। जबकि नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, वस्तुओं का सेवाओं का कीमत अब आती जाती है सरकार के द्वारा क्यों किया जाता है? सरकार के द्वारा इसलिए किया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत इतनी अधिक ना हो जाए कि वो समाज के निचले तबकों से बाहर हो जाए, इसलिए कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है ताकि समाज का हित समाज का संतुलन बना रहे। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में जो कीमत का निर्धारण होता है वो बाजार के द्वारा होता है, बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। जिस बिंदु पर बाजार की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है, आपस में जो है इंटरसेक्ट करती है, उसी बिंदु पर बाजार कीमत का निर्धारण हो जाता है, उसी कीमत पर वस्तु और सेवाओं की क्रय विक्रय होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण बाजार के ऊपर छोड़ा तो जाता है, लेकिन उस पर सरकार अपना नियंत्रण जरूर रखती है, ठीक है ना। बाजार सही है, ठीक है ना, लेकिन उसका नियंत्रण सरकार के द्वारा भी किया जाता है, ताकि नियंत्रण जो है जो वस्तु के मूल्य जो है कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और ठीक है ना, सब्सक्राइब करिए, करके रखिए, बने रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियोज़ का इंतजार।